श्री राम। दोस्तों हमारे YouTube चैनल हेलो कार इंडिया पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले निसान मैग्नाइट की। ये जो आप सामने देख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये सेकंड बेस मॉडल है एक्सेल मैनुअल में। अगर हम एक्सो रूम प्राइस की बात करें तो 686,000 पड़ जा रही है एक्सो रूम इंडिया। मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है निसान मैग्नाइट की। इसके आने के बाद ही निसान की नैया बच पाई है इंडिया में। अब अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है। टॉप वाली ग्रिल मिल जाती है यहाँ पे निसान की बैशिंग। यहाँ पे हमें सेम टॉप वाली लाइट सेटअप मिल जाती है हेलोजन में। हमें यहाँ पे इंडिकेटर कोई भी हमें DRL का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही फॉग लैंप मिलता है इस वेरियंट में। ये हो गया इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। यहाँ पे अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 195/60 R16 इंच की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। ये जो देख रहे हैं ये व्हील कैप, यहाँ पे निसान की बैचिंग, ये व्हील कैप है, ये एलॉय व्हील के टाइप ही लगती है। पर ये हुआ इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे हमें निसान मैग्नाइट की बैचिंग मिल जाती है ORVM ग्लॉसी ब्लैक के साथ। इसी में हमें इंडिकेटर मिल जाती है। इसमें हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये की से ओपन होती है। इसमें हमें 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। ये होगा इसके डोर हैंडल में बॉडी क्लाउड में मिल जाती है, रूफ रेल्स बॉडी क्लाउड में। अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। हम कोई भी सार्फिन एंटीना का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे निशान की बैचिंग, यहाँ पे वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प हमें सिमिलर मिलती है टॉप वाली, ऑलवेज डिफ्यूज फॉर्म में। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, यहाँ पे हमें मैग्नाइट की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसमें हमें कोई भी कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये हो गया इसकी बम्पर, रिफ्लेक्टर मिल जाती है। बम्पर हमें सिल्वर और ब्लैक कलर में मिलती है। इसमें हमें रियर में भी हमें 4 पार्किंग सेंसर मिलती है। डोर की बात करें तो ये नॉर्मल हमें की से खोलती है ये डोर। सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन है। डोर की बात करें अंदर से तो डुअल टोन में ये भी आती है टॉप वाली, ब्लैक और बीच कलर में। यहाँ पे हमें सिल्वर की साउंडिंग, यहाँ पे चारों हमें पावर विंडो मिलती है। यहाँ पे डोर हैंडल भी हमें सिल्वर फिनिश मिलती है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर कुछ इस तरह की है डुअल टोन में, ब्लैक और बीच कलर में। हमें ये सारी हार्ट टच देखने को मिलती है। ये हो गई एसी वेंट, इसमें 2 एयर बैग आती है। एसी वेंट्स हमें सिल्वर साउंड्स में आती है। ये कुछ इस टाइप की डिज़ाइन वाली है, सबसे यूनिक। रेनॉल्ट में भी हमें शायद इसी टाइप की एसी वेंट्स मिलती है। को पैसेंजर साइड हमें डोर इस तरह की है डुअल टोन में, सिल्वर फिनिश में। यहाँ ग्रैब हैंडल, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में हमें मिल जाती है इसकी डोर हैंडल। अगर अब हम इसकी लाइट की बात करें तो इसमें हमें सेम हेलोजन लाइट मिलती है। अगर सनवाइजर भी हमें सेम XB वाली मिलती है को वेंटी मिरर के साथ। ड्राइवर साइड हमें कोई भी वेंटी मिरर नहीं मिलता है, जबकि अगर हम इसके टॉप मॉडल टॉप जाए तो उसमें हमें दोनों साइड हमें वेंटी मिरर मिल जाती है। मैनुअल एडजस्टेबल आयर वे मिल जाती है इसमें। अगर अब हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरह की, इसमें हमें कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। टॉप में हमें हैलोजन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर अब हम इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। बस यहाँ पे हमें एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है मीडिया कंट्रोल्स के साथ। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे इसकी फोन की बटन, यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाती है। ये हो गई मैनुअल एडजस्ट AC इसमें मिल जाती है। हो गई AC की फैन। अब अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ फ़ोन रखने की कुछ स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे हमें भी कुछ स्पेस मिल जाती है। इसमें हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। इसमें कोई भी USB पोर्ट हमें नहीं दी हुई है। अब अगर हमें सीट की बात करें तो अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। अब अगर इसकी टॉप में जाए तो हमें लेदर अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये हो गई इसकी ग्रैब हैंडल। अब अगर हम इसकी की बात करें तो की नॉर्मल दोनों की हमें कुछ इस तरह की है, लॉक अनलॉक बटन के साथ आ जाती है। इसमें हमें कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है। बात करें तो ये सीट अभी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, जिसके बाद अब हम इसके रियल केबिन दिखाने वाले हैं। ये सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद हमें रियर में काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है।
फ्रंट में हमें कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये हो यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल, यहाँ पे हमें एक हेलोजन लाइट मिल जाती है। सिल्वर फिनिश में हमें डोर हैंडल, यहाँ पे ग्रैब के साथ यहाँ पे हमें सिल्वर सराउंडिंग, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है। इसमें हमें चारों पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे बोतल होल्डर। अगर रियर सीट की बात करें तो ये भी हमें काफ़ी अच्छी थाई सपोर्ट के साथ आती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट। रियर में हमें कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यह हो गई कुछ इसकी ओवरऑल इंटीरियर की बात। अगर निसान मैग्नाइट, इसे पहले हमें डटसन के अंदर लॉन्च करने वाली थी इसकी कंपनी, बट पता नहीं क्या हुआ जिसके बाद इसे निसान के अंदर लॉन्च किया गया, जिसके बाद निसान मैग्नाइट ने पूरा इंडिया में तहलका मचा दिया। अभी भी काफ़ी इसकी अच्छी खासी सेल्स हो जाती है, 5 से 6 हज़ार यूनिट्स पर मंथ बिक जा रही है। चलिए अब अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं आगे चल के, सेम इसमें हमें 1 लीटर की पेट्रोल इंजन मिल जाती है जो 72 BHP और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। इसमें हमें टॉप मॉडल में हमें टर्बो चार पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है जो 100 BHP और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। इसके हाल ही में रेड एडिशन को भी लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। वो हजारीबाग के शोरूम में आने के बाद उसे के थ्रू बता पूरी डिटेल दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।